18 साल के हुए तो लगता था कि अपना टाइम आएगा, देखते देखते 30 के हो गए, लगा हाँ अपना टाइम आएगा, फिर पता नहीं कब 40 के हो गए, फिर भी लगता रहा कि अपना टाइम आएगा, फिर 50 के ऊपर हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए, अपना टाइम ही नहीं आया। फिर एक दिन सीने में दर्द उठा, डॉक्टर ने कहा इनका टाइम आ गया है, अपने रिश्तेदारों को बुलवा लो। तो प्लीज़ अपने टाइम का इंतज़ार ना करें, ज़िंदगी को खुलकर खिलखिला कर जिए। अजीज दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, दुनिया का कोई भी माना हुआ टेररिस्ट आपको कहीं ना मिले, वो पाकिस्तान में मिलेगा। और उस पे आने से पहले मैं दो छोटी छोटी खबरें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि पिछले साल इन्हीं दिनों में पाकिस्तान में सैलाब आने शुरू हुए थे। मई जून में पहली बाढ़ आई थी, फिर इसके बाद लगातार आती गई और आज एक साल होने को आया पाकिस्तान में से सैलाब। जिन लोगों को नुकसान पहुंचा था वो आज भी बेघर हैं। पाकिस्तान ने सैलाब के नाम पे, मदद के नाम पे बिलियंस ऑफ डॉलर बटोरे दुनिया से, लेकिन आम आदमी को मदद नहीं पहुंची। सैलाब की मदद के लिए जो गंदम, चावल, दालें, टेंट, दवाइयाँ जो पूरी दुनिया ने भेजी थी, वो बाज़ारों में बेची गई पाकिस्तान के सरकारों से, यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और फेडरल गवर्नमेंट, फौज की मातहती में ये सब धंधे किए गए। अब आवाम फिर डरी हुई है, फिर बाढ़ के आसार नज़र आ रहे हैं, फिर बिफरा हुआ दरिया, दन दनाता हुआ दरिया आ रहा है और इनके पास कोई भी प्रिकॉशन नहीं है। 75 साल से बाढ़ आ रही है, ये कुछ भी नहीं करते। अब पिछले साल इतना बड़ा आया, अगर कोई और गैरतमंद लोगों का, शरीफ लोगों का, इंसानियत से भरपूर लोगों का माशरा होता, कंट्री होती, तो वो पिछले साल की बाढ़ के बाद इस वक्त तक सिर्फ इसी काम पे लगे होते कि अगर अब सैलाब आया तो उसको कैसे रोकेंगे। लेकिन इनको पता ही नहीं है, फिर सैलाब को विश कर रहे हैं कि सैलाब आए ताकि फिर हम लूटमार का धंधा कायम कर सकें। तो बिफरा हुआ दरिया बिफर रहा है मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान के, पीओके के हालात बिगड़ते जा रहे हैं दरियाओं के हवाले से। और फिर वही पंजाब, तो क्या है कि पंजाब का नहरी निज़ाम इतना, दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है, वो नहरी निज़ाम में क्या है कि वो पानी डाइवर्ट हो जाता है और पानी एक जगह रुकता नहीं, और ये बड़ी तरीके से पानी को सिंध की तरफ भेज देते हैं। सिंध में क्या होता है कि ये 5 दरिया सिंध में आने से पहले एक हो जाते हैं, और फिर जब वो सिंध में एक ही दरिया आ रहा होता है वो दन दनाता हुआ आ रहा होता है। और फिर उसमें क्या होता है कि जो जागीरदार हैं सिंध के, वो अपनी ज़मीनें बचाने के लिए जगह जगह पुश्ते जो बनाए होते हैं लोगों ने अपने इलाके, अपने गांव, अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए, वो पुश्ते तोड़ दिए जाते हैं, इसलिए गरीब आदमी बह जाता है, गरीब आदमी का घर बह जाता है। और ये पाकिस्तान में कंटिन्यूसली हो रहा है। अजीज दोस्तों, दो इम्पोर्टेंट आपके पास मैं चीज़ें लेके आया हूँ आज। एक टेररिस्ट जो मारा गया है लाहौर में, और एक ये जो एक तो टेररिस्ट मारा गया है और दूसरा इमरान खान के जलसे में एक आदमी को ब्लास्फेमी के उसमें मार दिया। लेकिन इससे पहले एक और छोटी सी खबर कि आपको पता ही चला होगा कि न्यूजीलैंड की एक बी ग्रेड क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई हुई है जिसको पाकिस्तान मज़े से हरा रहा है। पाकिस्तान की फुल टीम है, बाबर भी है, रिजवान भी है, शाहीन आफरीदी भी है, हारिस भी है, सब है, लेकिन न्यूजीलैंड का कोई नहीं है। आधे से ज़्यादा न्यूजीलैंड वाले तो इंडिया में बैठे हुए हैं। केन विलियमसन जख्मी हो गया आईपीएल खेलते हुए पहले ही मैच में, बाकी टीम सऊदी, ट्रेंट बोल्ट, मतलब आप नाम लें, वो चेन्नई का डेविन कॉनवे, सारे इधर बैठे हुए हैं न्यूजीलैंड के। लॉकी फर्गसन है, बहुत सारे
इधर बैठ के वो कर रहे हैं, तो जाहिर है पाकिस्तान में कोई मेन टीम में मेन प्लेयर नहीं गया। उनको हरा के पाकिस्तान अब दुनिया की नंबर वन टीम बनी है, तो ये पहली बार बनी है वनडे क्रिकेट के हिस्ट्री में, पहली बार पाकिस्तान नंबर वन टीम बनी है। तो ये अपनी औकात भूल गए, ये ऐसे औकात भूले हैं कि ये ड्यूरेक्स कंडम की कंपनी के इंडिया नीचे है पाकिस्तान ऊपर है। वी ऑलवेज लाइक टू बी ओवर अप एंड ओवर एंड वी लाइक टू कीप इंडिया डाउन। क्या घटियापन है, पहली बार आए हैं ये टॉप पे। इंडिया कई बार वन नंबर वन टीम बन चुकी है। ये 92 में दुप्पल में एक वर्ल्ड कप जीत गए थे, इसके बाद वर्ल्ड कप भी नहीं जीते, जीतना तो दूर फाइनल में नहीं पहुंचे। एक बार 99 में पहुंचे थे, बुरी तरह से हारा था। औकात भूल जाते हैं। और फिर बाबर आजम, रमेश राजा कह रहा है बाबर आजम डॉन ब्रैडमैन से कम नहीं है। यार एक से एक प्लेयर क्रिकेट की हिस्ट्री में आया है, गैरी सोबर्स आया है, 3 W's वेस्ट इंडीज के थे, वेविन रिचर्ड, ब्रायन लारा इंडिया की तरफ आए, तो सुनील गवास्कर, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, इन्होंने लेगेसियां कायम की हुई हैं। हर मुल्क का आप देख लें, ऑस्ट्रेलिया, यार स्टीवन स्मिथ, सब कहते हैं कि ब्रैडमैन के बाद सबसे बड़ी एवरेज इसकी है, सब कुछ है। बाबर की तो अभी टेस्ट एवरेज 50 पे पहुंची भी नहीं है। ये औकात भूल जाते हैं। और रमेश राजा को ये ब्रैडमैन लग रहा है, समझ रहे हैं? तो रमेश राजा खुद को भी फिर ब्रैडमैन से कम नहीं समझता होगा। तो ये खबर आपके साथ शेयर करनी थी। अब आते हैं कि अजीज दोस्तों, आपके जितने भी माने हुए टेररिस्ट हैं ना दुनिया के, ओसामा बिन लादिन है, साजिद मीर है, लखवी है, जंगवी है, मसूद अजहर है, एमन अल जवायरी है, अबू फराज अल लिब्बी है, अबू जुबैदा है, सारे आपको दुनिया में जब भी ढूंढने की कोशिश की पाकिस्तान में मिले। अभी कल लाहौर में एक भारत का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट परमजीत सिंह पंजवार वॉक कर रहा था अपने गार्ड्स के साथ, तो फायरिंग करके उसको और उसके गार्ड्स को मार दिया। मोटरसाइकिल पे सवार लोगों ने सर पे गोलियां मारी और भाग गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत के ये जितने मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? FATF की फाइलों से अभी निकले हुए ज्यादा दिन नहीं गए, अब लगता है कि वापस ये FATF में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान के एक्स एम्बेसडर जो हैं हुसैन हक्कानी साहब, इन्होंने इस पे यही कहा है कि अब लगता है कि FATF को वापस फाइलें खोलनी पड़ेंगी, क्योंकि जितने भी दुनिया में माने हुए टेररिस्ट हैं उनको ढूंढने के लिए जब निकलते हैं तो वो पाकिस्तान में मिलते हैं। अब खालिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ लाहौर में क्या कर रहा था, और ये सारे टेररिस्ट पाकिस्तान में क्यों मिलते हैं? लाहौर पुलिस ने कंफर्म किया है कि खालिस्तान कमांडो फोर्स का चीफ परमजीत सिंह पंजवार लाहौर में अननोन गनमैन ने उनको मोटरसाइकिल पर बैठ के गोलियां मारी, वो अपने बॉडीगार्ड के साथ वॉक कर रहे थे। तो फिर जब बिलावल भुट्टो को भारत में जयशंकर जी ये कहते हैं कि ये टेररिस्टों के नुमाइंदा हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, तो गलत तो नहीं कहते? जब बिलावल भुट्टो ये कहे कि मुझे, हमें एक टेबल पे बैठ के टेररिज्म के बारे में बात करनी चाहिए, तो जयशंकर जी बिल्कुल सही कह रहे थे ना कि हम विक्टिम ऑफ टेररिज्म है, आप क्रिएटर ऑफ टेररिज्म हो, हम एक साथ कैसे बैठ सकते हैं?
तो ये बात, एक तो भारत को आप डिप्लोमेटिकली इसके ऊपर एग्रेसिवली जाना चाहिए, FATF में, UN में, यूनाइटेड स्टेट्स में, और जिस तरह ये हिंदुत्व हिंदुत्व करते हैं, ये सारी चीज़ें अब खोलनी चाहिए। और कुछ नहीं तो कम से कम हम जैसे लोगों को मौका दें, हम पूरी दुनिया में इसको फैलाएंगे। यूनाइटेड स्टेट्स में जाएंगे, वहाँ पे कांग्रेसमैन और सेनेटर्स और थिंक टैंक्स के साथ मीटिंग करके हम बताएंगे उनको कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। हमें तो यहाँ पे कोने में लंदन में बिठा कर रख दिया गया है, किसी काबिल नहीं छोड़ा। आप तो कुछ करें, एग्रेसिवली जाके पूरी दुनिया में बताएं, मुख्तलिफ टीमें बनाएं। सिर्फ ये थोड़ी है कि सोशल मीडिया पे बैठ कर हम लोग बोलते रहेंगे, इससे मसला हल हो जाएगा। वो वहाँ पे लॉबिंग करते हैं, ISI वाले, जमात इस्लामी की कोई 50 ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका में ऑपरेट कर रही हैं। यहाँ पे आप ब्रसल्स चले जाएं, इतना सा है ब्रसल्स, 10 लाख की आबादी है। आपके दिल्ली की आबादी 2.5 करोड़ है, मुंबई की आबादी 2.5-3 करोड़ है। ये 10 लाख की आबादी का ब्रसल्स शहर में देख लें, आपको वहाँ पे कोई 40-50 पाकिस्तानी लॉबीस्ट मिलेंगे जो लॉबिंग कर रहे हैं यूरोपियन पार्लियामेंट में, नेटो में। नेटो का हेडक्वार्टर है, यूरोपियन पार्लियामेंट का कैपिटल है, यूरोपियन कमीशन का हेड ऑफिस है। हम तो आज, मेरा ख्याल है 7-8 साल हो गए ब्रसल्स गए ही नहीं, किसी मीटिंग में कैसे जाएं? पैसा लगता है भाई, जितना हम कर रहे हैं अपना आप गिरवी रख के, अपने आप को सामने रख के, मतलब टारगेट पर रख के, टेररिस्टों के और इतने बड़े टेररिस्ट देश के लोगों के, इसके बावजूद हम जितना कर सकते हैं करते हैं, लेकिन भारत सरकार को तो कम से कम कुछ करना चाहिए। लॉबिंग करें, पूरी दुनिया को बताएं कि हर दुनिया का टेररिस्ट, हर भारत का दुश्मन टेररिस्ट पाकिस्तान से कहां से मिलता है। ये कुलभूषण यादव को लेकर हर जगह, कुलभूषण यादव हमने पकड़ा बलोचिस्तान में, वो आतंक फैला रहे। अबे तुम लोगों के पास कोई सबूत है, कोई चीज है? कुलभूषण यादव, चलो क्या है आगे पीछे? कुलभूषण यादव अगर कर रहा था, सपोज किसको कर रहा था? कोई आपके पास नाम है कि कौन से बलोच टेररिस्ट को इसने किया था, किसको अप्रोच किया था, कौन सा टेररिज्म का एक्ट था जिसमें कुलभूषण यादव इन्वॉल्व था? कुछ नहीं, बस एक इन्होंने वो, क्योंकि सबको पता है कि कुलभूषण यादव इंडियन आर्मी से रिटायर होने के बाद, वो बिजनेसमैन था, ईरान में बिजनेस के ट्रिप पे था, वहां से अगवा करके लाए हैं इसको कराची, और फिर दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। पेश कर रहे हो तो लाओ ना इंटरनेशनल कोर्ट में, क्यों नहीं लेके आ रहे अगर इतने ही तुम पक्के हो तो। ये सारी इनकी टेररिज्म की कहानी है, और एक कुलभूषण यादव को लेके ये इतना खेल रहे हैं। आपके सारे टेररिस्ट पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आप नहीं खेल पा रहे हो। तो ये है कि मैं समझता हूँ कि इसको सीरियसली आगे बढ़ाना चाहिए इस मुद्दे को, और खालिस्तान कम से कम एक्सपोज होता जा रहा है। और जैसे कि टूल किट एक और भी है जो एक्सपोज होती जा रही है रेसलर्स की, इस तरह उस पर मैं अगला कोई और प्रोग्राम करूंगा। तो अजीज़ दोस्तों, एक और चीज़ है कि आपको शायद याद हो कि आज से कुछ साल पहले मर्दान में, KPK में, एक लिबरल लड़का था, मशल खान, मर्दान यूनिवर्सिटी में। वो लिबरल सोच रखता था, इसको इस्लामिक एक्सट्रीमिस्टों ने मार दिया था, और इतना मारा था कि इसकी माँ कह रही थी कि जब मैं इसकी लाश के पास गई तो मैंने जब इसका हाथ पकड़ा तो हाथ में सारी हड्डियां चूरा चूरा थी। उसको ब्लास्फेमी के नाम पे मारा गया कि उसने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में ये कहा और वो कहा और ये सब। अभी क्या हुआ कि इमरान खान ने ऐलान किया था कि सैटरडे के दिन चीफ जस्टिस, जो कि इमरान खान की पार्टी का है लेकिन है चीफ जस्टिस, बंदियाल, वो सारे फैसले इमरान खान के लिए कर रहा है। आजकल पाकिस्तान के जो जस्टिस के फैसले हैं ना, अदालतों के फैसले, वो चीफ जस्टिस के बेडरूम में होते हैं। बेडरूम में जब ये जाता है तो उसकी बीवी इसको बताती है कि आपको क्या क्या फैसले करने हैं,
और उन फैसलों का डिस्कशन इनके किचन में होता है जब चीफ जस्टिस की सास अपनी बेटी को कहती है कि तुम्हें अपने शौहर को कहना है कि ये केस का फैसला ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। पाकिस्तान है ना, मेरा दिल कर रहा है बड़ी गाली दे के बात करूं कि जहां पे पिंकी हर्राफा और चीफ जस्टिस की सास और बीवी जैसे लोग अब पूरे मुल्क का फैसला कर रहे हैं, इस स्टेज पे आ गया है पाकिस्तान। पाकिस्तान जितने घटिया लेवल पे आ चुका है, इतने घटिया लेवल पे बहुत ही कम दुनिया में ऐसे मुल्क होते हैं जो इस लेवल तक आ जाते हैं। वो बड़ा ही बेगैरती की आला मुकाम पे आके बैठा है पाकिस्तान इस वक्त। इस वक्त पाकिस्तानियों को, मतलब मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तानी इस काबिल नहीं रहे कि कहीं पे ये कह सकें कि हमारे मुल्क में फखर लाइक कोई चीज है। वी आर प्राउड ऑफ बीइंग पाकिस्तानी। आज से 15 साल पहले तक तो कहते थे, अब नहीं कहते। अब इनके पास कहने के लिए बचा ही कुछ नहीं है। तो अजीज दोस्तों, जस्टिस का ये आलम है। इमरान खान जब इसको अदालत बुलाती है तो व्हीलचेयर पे आ जाता है कि मेरे पांव में वापस इन्फेक्शन हो गया है। खूब भाग दौड़ कर रहा था इलेक्शन कैंपेन के लिए, जैसे ही अदालत ने बुलाया व्हीलचेयर पे आ गया। अब इसकी मीम बन रहे हैं, लेकिन ये व्हीलचेयर पे घूम रहे हैं। अब कल क्या कहता है, परसों फ्राइडे को, कि सैटरडे को सब निकलें चीफ जस्टिस के सपोर्ट के लिए, और मैं ऐलान करता हूं कि मैं अब सड़कों पर आऊंगा, और अगर मुझे कुछ हो गया तो जनरल नसीर जो है वो मुझे कत्ल करेगा। मैं नाम लेके बता रहा हूं कि वो मुझे कत्ल करेगा। तुम सड़कों पे कैसे होगे, जब तक परसों तक तो तुम व्हीलचेयर पे थे, अब तुम सड़कों पे कैसे होगे। तो खैर, तो इसने जब ये ऐलान किया ना कि सैटरडे को सब चीफ जस्टिस के साथ सॉलिडरिटी के लिए घर से निकलोगे, तो एक जलसा हुआ मर्दान में, उसी मर्दान में, और वो जो मशल खान को मारा गया था ब्लास्फेमी के नाम पे, तो जिन लोगों ने मारा था ना, उसमें एक आदमी था मौलाना निगार आलिम, जिसने इल्ज़ाम लगाया था कि ये जो मशल खान है इसने ब्लास्फेमी की है। वो निगार आलम मौलवी जो है वो तकरीर करने के लिए उठा इमरान खान के जलसे में, मर्दान में, और उसने कहा कि मुझे इमरान खान बहुत सच्चा आदमी लगता है और मैं उसको पैगंबरों के बराबर समझता हूँ, वो नबी और पैगंबर के बराबर है। और जब इसने इमरान खान को बिल्कुल ही प्रोफिट मोहम्मद से भी ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा था ना, तो फिर इस्लामिक एक्सट्रीमिस्टों की वहाँ पे खोपड़ी घूम गई, और फिर उसको जिसके हाथ में डंडा आया, पत्थर आया, जो आया उसको मारा है, और निगार आलम को मार मार के उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक एक हड्डी जिस तरह मशल खान की इसने करवाई थी ना, ऐसे ही ये स्पीच कर रहा है। लेकिन अब ये वो ब्लास्फेमी वाली स्पीच बैन हो गई है, तो इसलिए अभी तक हाथ में आई नहीं है। ये स्पीच कर रहा है, और ये इसकी स्पीच का वो अभी शरीफाना हिस्सा है, अभी उस लेवल पे आया नहीं कि इसकी इनकार को लहद जहन्नम लर्गिशु नुजबता सुला नूर सने शनोयले खुजबता सुला द पैगंबर मुकाबिल द सहाबिया ने गजुम खुजवान च जमुन द सावलीर द पारा द साले चरागली दिन उतम द पैगंबरे द दरजी न कम न درجه مت نورتون درجه مت نورتون خو بارهان تاسو نه پارا ډیر محترم سړي دي او تاسو سره تاسو په یو باندې نه دي کوګر شو کې تاسو چې په یو انا مسلم 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 انا तो अजीज दोस्तों, इसका तो बैंड बाजा बज गया, और अब आस्ते आस्ते इमरान खान को अब ये भारी पड़ना शुरू होगा। कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये बार बार कह रहा है ना कि मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है, मुझे मार दिया जाएगा।
अब इसको इसलिए जान का खतरा है कि एक तरफ इसने इस्लामोफोबिया और पूरी दुनिया में जो ब्लास्फेमी को हाइप पे चढ़ा दिया था, और फिर अब खुद पैगंबरों से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब इसको डर है कि किसी दिन ये पागल कौम तो हो गई है, किसी दिन मुझे खुद मेरे गार्ड ना मार दें, जैसे गवर्नर पंजाब सलमान तासीर को उसके अपने गार्ड ने मार दिया था। तो अजीज दोस्तों, ये सिचुएशन है। इमरान खान ने जो बोया था वो काटा है। जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था तो नवाज शरीफ हॉस्पिटल में गया, या कोई भी ओपोजिशन पार्टी के लोग हॉस्पिटल में जाते थे ना, तो ये इनका मजाक उड़ाते थे। ख़ास तौर पे इमरान खान के दो मिनिस्टर हैं, शिबली फराज और शहबाज गिल, ये दो मिनिस्टर बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते थे, और इमरान खान कि ये व्हील चेयरों पर आ गए हैं, इनका हाल देखें। आज कारमा इज ए बिच, कारमा इसी को कहते हैं। आज ये सब व्हील चेयर पर आ गए, शहबाज गिल भी व्हील चेयर पर था, शिबली फराज भी, ये भी जैसे ही गिरफ्तार होते हैं व्हील चेयर पर, इमरान खान जैसे अदालत जाना है व्हील चेयर पर। तो ये इनकी ड्रामेबाजियाँ हैं जो चलती रही हैं। अजीज दोस्तों, एंड पे मैं एक छोटी सी खबर आपके साथ शेयर करूँगा कि एक आदमी था लेफ्टिनेंट जनरल सजाद गनी, ये कोर कमांडर कराची भी रहा है, क्वार्टर मास्टर जनरल भी रहा है। ये जब कोर कमांडर कराची था तो इसने कराची में मुहाजिरों का कत्लेआम किया, और आपको पता है कि पाकिस्तान में आर्मी पूरे पाकिस्तान से लूटमार करती है, लेकिन जितनी लूटमार बलोचिस्तान और कराची से होती है इतनी और कहीं से नहीं हो पाती। तो इन्होंने बड़ी लूटमार की, एक केस खाली इनका पकड़ा गया जिसमें कोर्ट ने फौज से कहा कि ये करप्शन में मुब्तला है, इनका केस फौज देखे, क्योंकि फौजियों का केस अदालतों में नहीं चलता। तो फौज ने इसको कहा कि 2,80,00,000,000 रुपया, यानी 208 करोड़ रुपया तुम कौमी खजाने में जमा कराओ, तुमने नुकसान पहुंचाया है, तुमने चोरी की है, और इसको रिटायर कर दिया। एक करप्ट आदमी की छोटी सी एक करप्शन पकड़ी गई, लेकिन इसके आफ्टर रिटायरमेंट सारे इंटाइटलमेंट, इसके बेनिफिट्स इसको मिलते रहे। इसने कोई 280 करोड़ रुपया जमा नहीं कराया नेशनल खजाने में, और फिर जब शहबाज शरीफ आया सरकार में लास्ट ईयर, तो शहबाज शरीफ ने आने के 2 महीने बाद इसको वापडा का चेयरमैन बना दिया। वापडा बोले तो वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी पानी, पूरे पाकिस्तान का पानी और इलेक्ट्रिसिटी का सारा, एक तरह से मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, वो काम वापडा का है, उसका चेयरमैन इसको बना दिया। माल बना रहा है, छाप रहा है। पाकिस्तान में बेरोजगारी, जॉबलेसनेस टॉप पे है, अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन फौजी कभी अनएम्प्लॉयड नहीं होता। 70 साल का भी हो जाएगा तो भी वो दिहाड़ी करता रहा होगा, बनाता रहेगा। और इसका बेटा एक्टर है, जाहिर है इनके बच्चों के लिए हर फील्ड खुला ढुल्ला है। तो इसके बेटे के इंटरव्यू के लिए जब जर्नलिस्ट गया तो उसके घर के अंदर का महलात, मतलब आप भूल जाएं किंग चार्ल्स के पैलेस को, आप भूल जाएं किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के महल को, आप भूल जाएं दुबई के शेख मोहम्मद के महल को, महलात। और गाड़ियों का जो पूरी एक फ्लीट लग्जरी गाड़ियों की, तो फिर पाकिस्तान कल का तबाह होता आज का तबाह क्यों ना हो, जब इस पाकिस्तान में आम आदमी मर रहा है और ये कुत्ते के बच्चे जनरल ही सारे लूटमार कर रहे हैं। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग।